अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, शोबिज क्लिक चैनल में खुश आमदीद। ड्रामा सीरियल राज़े उल्फत की एपिसोड 18 की प्रोमो नशर कर दी गई है, जिसमें आप देखेंगे कि मुश्क इर्तज़ा के साथ उसकी गाड़ी में जा रही होती है। मुश्क के वालिद मुश्क को इर्तज़ा के साथ जाता देख लेते हैं और उनको मुश्क पर शदीद गुस्सा आता है। जब वो घर आते हैं तो मुश्क की वालदा अंबर से कह रही होती हैं कि ये मेरी बेटी की जवानी की बहारें हैं, उसके मुस्कुराने के दिन हैं, उसका हक है मुस्कुराने का, लेकिन तुम्हारे अब्बू शायद यही चाहते हैं कि तुम दोनों भी जज्बात से आरी रूखी फीकी जिंदगी गुजारो जैसे मैंने गुजारी। मुश्क के वालिद उसकी वालदा की सारी बातें सुन लेते हैं। दूसरी तरफ साहिबा को नोमी अपने हाथ से हार पहनाता है। साहिबा नोमी से कहती है कि तुम किसी तरह मुश्क और इर्तज़ा की शादी तोड़वा दो, अगर तुमने मेरा ये काम कर दिया ना तो मैं जिंदगी भर तुम्हारी एहसान मंद रहूंगी। उधर मुश्क इर्तज़ा से कहती है, मैं आपके प्यार में पागल हूँ और इसकी लाज अब आपके हाथों में है, मुझे दुनिया के सामने रुसवा मत कर दीजिएगा। नौमी साहिबा के कहने पर इर्तज़ा को मुश्क के खिलाफ करने की कोशिश करता है, मगर इर्तज़ा को नौमी की बात पर शदीद गुस्सा आता है। वो नौमी से गुस्से में कहता है कि आइंदा मुश्क का नाम तेरी जुबान पर आया ना तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। उधर जब मुश्क इर्तज़ा से मिलने के बाद घर वापिस आती है तो मुश्क के वालिद उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारते हैं और मुश्क से गुस्से में कहते हैं, एक बाप अपनी शिकस्त का मातम कर रहा है, अपनी बुजदली का, अपनी शराफत का। इसके बाद मुश्क रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। क्या मुश्क के वालिद मुश्क की शादी इर्तज़ा से करवा देंगे? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।